हे एवरीवन, फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो क्यों ना हम फ्रेंड अभी से अपने घरों को डेकोरेट करना शुरू कर दें। और फ्रेंड, इस फेस्टिव सीजन में हम सभी के घरों में इस तरह के मिठाई के डब्बे तो आते ही रहते हैं, और ख़त्म होने के बाद हम सभी क्या करते हैं, इस तरह के डब्बों को फेंक देते हैं। बट फ्रेंड, इस बार हम इन डब्बों को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और इन डब्बों से हम बनाएंगे ब्यूटीफुल एंड कलरफुल झरोखे और अपने घरों को देंगे एक फेस्टिव लुक। और फ्रेंड, इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि हम इन झरोखों को कितने तरीके से अपने घरों में डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी आइडिया के साथ बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इस तरह के तीन मिठाई के डब्बे लिए हैं और इन डब्बों पर झरोखा का लुक देने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर पर झरोखा का लुक ड्रॉ करेंगे। फिर इस पेपर को मिठाई के डब्बे के ऊपर रख के हम इस तरह से इसका डिजाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर कटर की हेल्प से हम इन सबको कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने तीनों डब्बों को कट कर लिया है। तो अब चलते हैं इन सबको पेंट करने। और मैं यहाँ पर ये तीन कलर यूज कर रही हूँ। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसे कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी डब्बे पेंट हो गए हैं। तो फ्रेंड, अब चलते हैं इन सभी को थोड़ा डेकोरेट करने। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्टोन वाले स्टिकर। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिरर। इस तरह से हमारे तीनों झरोखे बनके रेडी हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि हम इसे कितने अलग अलग तरीकों से डेकोरेट कर सकते हैं। पहला तरीका, आप चाहे तो इस तरह के बैटरी ऑपरेटेड दिया भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह के दिया काफ़ी अमेजिंग व्यू देगा जब आप अपने रूम का लाइट ऑफ करके इसे देखेंगे। और फ्रेंड दिवाली के टाइम तो खास करके ये फेस्टिव लुक देने वाला है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से अपने बच्चों के हो चाहे अपने फ़ोटो भी यूज कर सकते हैं और अपने रूम को दे सकते हैं एक डिफरेंट लुक। और तीसरा तरीका है कि आप इस तरह से मिरर भी यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा आपके रूम का। और चाहे तो फिर इस तरह की शादी के कार्ड में जो इस तरह से गणेश जी लगे रहते हैं इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं हम इन सभी का फाइनल लुक।